हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे न्यू फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फेसबुक ऐप को ओपन कर देना है। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी बर्थ डेट डाल देनी है। बर्थ डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे सेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे आपके जेंडर को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसे परमिशन दे देनी है। परमिशन दे देने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है। पासवर्ड कम से कम यहाँ पे 6 लेटर्स या फिर नंबर का होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक यहाँ पे लोडिंग होता है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। उस ओटीपी को डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपकी यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल बनके तैयार हो चुकी है। अब आप यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल के लिए यहाँ पे फोटो को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसे स्किप कर देता हूँ। इसे स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी आगे कॉन्टेक्ट में फ्रेंड्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप उन्हें यहाँ पे डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे यहाँ पे स्किप का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है या फिर आपको नीचे स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फेसबुक प्रोफाइल बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड भी कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से मदद होती है तो प्लीज दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।